नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज TNN। प्रस्तुत हैं आज की प्रमुख सुर्खियां। अभी खत्म नहीं हुई है दूसरी लहर, आज राज्यों में अभी भी आर वैल्यू ज्यादा, सरकार ने किया आगाह। निफ्टी टुडे रिकॉर्ड स्तर पर खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स पहली बार 54,000 के पार, निफ्टी में भी उछाल, सेंसेक्स 241.91 अंक 0.45% ऊपर 54,065.27 के स्तर पर और निफ्टी 103.10 के अंकों 0.64% की बढ़त के साथ 16,233.90 के स्तर पर खुला। पूर्व राजनीतिक रिचर्ड बोले, भारत 2030 तक शायद सभी क्षेत्रों का करे नेतृत्व। बिहार, मध्य प्रदेश में बारिश ने मचाई तबाही, 1171 गांव प्रभावित, 200 से अधिक हुए जलमग्न। रेसलिंग में रवि कुमार का पदक पक्का, क्वार्टर फाइनल में वेंगलोक को हराकर सेमीफाइनल में दी दस्तक। ओलंपिक्स, रेसलिंग में रवि कुमार का पदक पक्का, क्वार्टर फाइनल में वेंगलोक को हराकर सेमीफाइनल में दी दस्तक। कर्नाटक, सीएम बोम्मई बोले, आज होगा कैबिनेट का विस्तार, डिप्टी सीएम पर अभी चल रहा मंथन। सेमीफाइनल में वर्ल्ड चैंपियन में भिड़ेगी लवीन लीना, आज पदक का रंग सुनहरा करने का मौका। पंजाब, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, अवंता समूह के प्रमोटर गौतम थापर को किया गिरफ्तार। सेमीफाइनल ओलंपिक में आज अर्जेंटीना से भिड़ेगा भारत, पुरुष टीम की गलतियों से सबक लिया तो फाइनल पक्का। देश और दुनिया की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज TNN। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल न्यूज TNN बाय क्लिकिंग द बेल आइकॉन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर।